और भीषण गर्मी में कांकेर शहरवासियों के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। कांकेर नगर पालिका क्षेत्र में आने वाले कई वार्ड पीने के पानी की समस्या से जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि नगर पालिका पानी की पर्याप्त सप्लाई करने में नाकामयाब साबित हो रही है, जिसके चलते वार्ड वासियों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। और नगर वार्ड की महिलाओं का आरोप है कि स्थानीय पार्षद और कांकेर नगर पालिका अध्यक्ष से कई बार इसकी शिकायत भी की गई है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। वहीं नगर पालिका के जिम्मेदार लोगों का कहना है कि जिस एरिया में पानी की समस्या है वो ड्राई जोन के अंतर्गत आता है, जिसके कारण नगर पालिका द्वारा खोले गए कई बोर फेल हो चुके हैं। तो दिन में होते हैं यहाँ टैंकर रहते, टैंकर भी नहीं आ, दो दिन तीन दिन लाइट गोल रहते, पानी बड़ा मुश्किल होते, यहाँ टंकी नहीं धोवाए, टंकी साफ नहीं हो, चिरा पानी पीछर गोई नहीं किए, पानी गोई मोहल्ला पानी नहीं किए, हम चिरा विवाद बना रहता है, विवाद बना रहता है पानी को लेकर, फिर पानी को लेकर, हाँ पानी को ले। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता सुशील सलाम जुड़ गया है। सुशील, पानी की समस्या कोई नई समस्या नहीं है, बावजूद इसके जिम्मेदार कोई भी इस पर ध्यान नहीं देते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, कांकेर नगर पालिका अंतर्गत 21 वार्ड आते हैं, जिनमें से लगभग 6 से 7 वार्डों में हमेशा पानी की समस्या बने रहती है। वहाँ पानी की समस्या इसी साल की नहीं है, इससे कई साल पहले भी पानी की समस्या इस शहर में बनी हुई है, जिसका मुख्य कारण है कि कांकेर शहर पहाड़ों से घिरा हुआ है, जिसके कारण वाटर लेवल जल्दी से गर्मियों के दिनों में नीचे चला जाता है। वहीं वार्ड वासियों, अभन नगर से वार्ड वासियों के द्वारा नगर पालिका प्रशासन के पास कई बार जाकर जिन्होंने शिकायत की थी पानी वार्ड में नहीं आ रही है, लेकिन वहाँ नगर पालिका में जाने के बाद जिन वार्ड वासियों को यह कहा जाता है कि टैंकरों के माध्यम से आपके वार्ड में पानी पहुंचा दी जाएगी, लेकिन टैंकरों के माध्यम से पानी भी तो पहुंचाई जाती है, लेकिन वह समय पर पानी वार्डों में नहीं पहुंचती, जिसके चलते इन वार्ड वासी ऐसा परेशान रहते हैं और वार्ड वासियों में कहीं ना कहीं पानी को लेकर नगर पालिका के प्रति आक्रोश बना हुआ है। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया सुनील आपका। एक्सप्रेस स्टेशन में आज के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए स्वराज।